बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू विल बी फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न रीडिंग एंड ट्रांसलेशन ऑफ यूनिट नंबर 7। द नेम ऑफ द यूनिट इज़ द स्टडी ऑफ मैटर, बुक पेज नंबर 70। एंड आवर टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन इज़ अ मेथड यूज टू सेपरेट इनसोलेबल सॉलिड्स फ्राम अ लिक्विड। फिल्ट्रेशन एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसमें हम इनसोलेबल सॉलिड्स को, वो सॉलिड्स या वो ठोस चीज़ें जो कि इनसोलेबल होती हैं, जो हल पज़ीर नहीं होती, हल नहीं होती पानी में या लिक्विड में, उनको हम अलग करते हैं। द फिल्टर पेपर इज़ फोल्डेड इनटू द शेप ऑफ अ कोन। फिल्टर पेपर को कोन की शक्ल में, ये फिल्टर पेपर है, इसको कोन की शक्ल में फोल्ड किया जाता है। इट इज़ प्लेस्ड इन टू अ फनल, उनको, उसको एक फनल में रखा जाता है, जिस तरह से ये नज़र आ रही है। द मिक्सचर ऑफ द इंसुलेबल सॉलिड एंड लिक्विड इज़ पास थ्रू द फिल्टर पेपर। अब जो मिक्सचर होता है वो इस फिल्टर पेपर से गुजारा जाता है। द लिक्विड पार्ट्स ऑफ द मिक्सचर पासिस ईजीली थ्रू द टाइनी होल्स ऑफ द फिल्टर पेपर। अब जो लिक्विड पार्ट है उसका, वो आसानी से जो टाइनी होल्स होते हैं या उसमें बारीक से सुराख होते हैं, उनसे आसानी से फिल्टर पेपर से वो गुजर जाता है। द सॉलिड पार्टिकल्स विच आर बिगर, और जो सॉलिड पार्टिकल्स या ठोस ज़र्रात होते हैं जो कि बड़े होते हैं, देन द होल्स ऑफ द फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर के होल से जो या सुराखों से बड़े होते हैं, रिमेन ऑन इट, वो उस पर रह जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द रेजिड्यू, इसको रेजिड्यू या बाकियात कहते हैं। एंड द लिक्विड विच पासिस थ्रू द फिल्टर पेपर इज़ कॉल्ड द फिल्ट्रेट, और वो लिक्विड जो कि फ़िल्टर पेपर से गुज़र चुका उसको फिल्ट्रेट कहते हैं। सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। दिस मेथड इज़ आल्सो यूज्ड टू सेपरेट इंसुलेबल सॉलिड पार्टिकल्स फ्राम अ लिक्विड। ये तरीका भी इस्तेमाल किया जाता है अलग करने के लिए ना हल होने वाले ठोस ज़र्रात को लिक्विड से। फर्स्ट द मिक्सचर इज़ केप्ट अनडिस्टर्ब्ड। सबसे पहले क्या होता है कि जो मिक्सचर होता है उसको अनडिस्टर्ब किया जाता है, सो डैट द हैवियर सॉलिड्स पार्टिकल सेटल एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। उससे क्या होता है कि जो उसके हैवियर पार्टिकल्स या भारी जो सॉलिड पार्टिकल्स या ज़र्रात होते हैं वो सेटल हो जाते हैं बॉटम नीचे ऑफ द कंटेनर, किसी भी बर्तन के। द सेटिंग ऑफ पार्टिकल्स इज़ कॉल्ड सेडिमेंटेशन, और ये जो अमल है सेटिंग ऑफ पार्टिकल्स का, ये क्या कहलाता है, सेडिमेंटेशन कहलाता है। देन द लिक्विड फ्राम द मिक्सचर इज़ पोर्ड ऑफ इन टू एन अदर कंटेनर बाय टिल्टिंग द कंटेनर वेरी जेंटली। अब क्या किया जाता है कि जब सारे ज़र्रात नीचे बैठ जाते हैं तो फिर मिक्सचर को पोर ऑफ कर लिया जाता है, या उसको किसी और जो है वो उस पर निथार लिया जाता है, किसी और बर्तन या कंटेनर में उसको थोड़ा सा टिल्ट करके बहुत आराम से। द पोरिंग ऑफ लिक्विड इन दिस मैनर इज़ कॉल्ड डिकेंटेशन। इस तरह से जो पोर डाउन करते हैं लिक्विड को, ये तरीका जो है ये डिकेंटेशन कहलाता है या निथारने का अमल कहलाता है। दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर लाइट पार्टिकल्स। ये जो तरीका है ये लाइट पार्टिकल जो होते हैं उनके लिए इस्तेमाल नहीं होता, लाइक दोज ऑफ चाक, जिस तरह से चाक है। वाई नाट, क्यों नहीं? पार्टिकल्स ऑफ चाक आर लाइटर। जो चाक के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत लाइट होते हैं, बहुत हल्के से होते हैं, एंड दे डू नॉट सेटल एट द बॉटम, और वो नीचे बॉटम में सेटल नहीं होते। इंस्टेड दे रिमेन फ्लोटिंग इनटू द सरफेस ऑफ द लिक्विड, और इसकी बजाय वो क्या करते हैं, वो तैरते रहते हैं जो लिक्विड होते हैं उसकी सतह पर। थर्ड मेथड जो हमारे पास है वो है एवेपोरेशन का। How do we get salt out of sea water? कि हम सी वाटर से या समंदर के पानी से नमक कैसे हासिल करते हैं? Salt is soluble in water. Salt या नमक पानी में हल हो जाता है। You cannot use the filtration method to separate soluble substance from a mixture. आपको filtration method इस्तेमाल नहीं करना पड़ता इसको separate करने के लिए mixture से।
टू रिमूव साल्ट फ्राम सी वाटर, रिमूव करने के लिए या निकालने के लिए सी वाटर से साल्ट को, यू विल हैव टू यूज़ अनदर मेथड कॉल्ड इवेपोरेशन। तो आप एक और तरीका इस्तेमाल करते हैं जिसको इवेपोरेशन कहते हैं। डू यू रिमेंबर वट हैपन्स टू वाटर वेन इट इज़ बॉयल्ड? क्या आपको याद है कि जब पानी को बॉयल किया जाता है तो क्या होता है? इट चेंज इन टू स्टीम, तो वो स्टीम या भाप में तब्दील हो जाता है। इट इवेपोरेट्स एंड साल्ट रिमेन्स इन द कंटेनर, ये इवेपोरेट होता है, ऊपर की तरफ उठता है और जो रह जाता है कंटेनर या बर्तन में वो नमक होता है। इन दिस वे, इस तरीके से द साल्ट इज सेपरेटेड, नमक अलग हो जाता है। मैग्नेटिक मेथड ऑफ सेपरेशन, मैग्नेटिक मेथड या तरीका सेपरेशन का, किसी चीज़ को अलग करने का। मैग्नेट्स आर यूज टू सेपरेट मैग्नेटिक मटीरियल्स फ्राम नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स। अब क्या है कि मैग्नेट या मैग्नेटीज को यूज़ किया जाता है अलग करने के लिए मैग्नेटिक मटीरियल को, जैसे कि स्टील है और आयरन है, उन मटीरियल से जो कि नॉन मैग्नेटिक हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज टू सॉर्ट मैग्नेट मटीरियल मेटल्स इन द स्क्रैप यार्ड। स्क्रैप यार्ड कहते हैं कबाड़ को, कि कबाड़ में से मैग्नेटिक मटीरियल को अलग करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। जिस तरह से ये है, इसके साथ क्या होता है कि जितने भी मैग्नेटिक मटीरियल होगा वो इसके साथ चिपक जाएगा।